क्लास वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अम्बाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। पिछली तासिका में हमने देखा कि मैन्यूअर एंड फर्टिलाइजर, वी आर गोइंग टू लर्न द रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर का हम अगला भाग देखने वाले हैं कि अगला भाग क्या है। इरीगेशन, ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव। वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर proper growth and development of flowers, fruits and seeds of plants. Water is absorbed by the plant's roots. Along with water, minerals and fertilizers are also absorbed. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germination of seeds does not take place under dry condition. Nutrients dissolved in water get transported to each part of the plant. Means pani bahut zaruri hai. Jab tak pani पौधों को नहीं मिलेगा तब तक उसकी अच्छी तरह से उपज नहीं होगी या बड़े वो नहीं हो पाएंगे। और उसी के साथ पूरे जल जीवन में, मतलब जितना भी जीवन है वो जल के बिना अधूरा है, इसलिए जल जीवन कहा जाता है। अब देखते हैं आगे। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड हॉट एयर करंट्स टू मेंटेन द मॉइस्चर टू द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ। फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। हमें हमेशा उन्हें पानी देना जरूरी है क्योंकि ड्राई कंडीशन में या गर्म में ज़मीन अगर हो तो वहाँ पर पौधे नहीं उग सकते या अनाज नहीं उग सकता है, इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और यह बार बार हमें देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरीगेशन। उसे क्या कहा जाता है, इरीगेशन या जल संधारण ऐसा भी उसे कहा जाता है। द टाइम एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर इज हायर। व्हाई इज इट इज सो? कुड इट टू बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे हम उनको पानी देते हैं सीजन टू सीजन या डे टू डे या सॉइल टू सॉइल या क्रॉप टू क्रॉप उसे हम पानी देते हैं, और इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, पानी अच्छा देने का। और जो गर्मियों के दिन होते हैं वहाँ पर हम पानी ज़्यादा देते हैं क्योंकि वहाँ पर इवेपोरेशन, बाष्पीभवन बहुत जल्दी हो जाता है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ इरीगेशन। सोर्स ऑफ इरीगेशन, द सोर्स ऑफ इरीगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर डैम्स एंड कैनल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर चित्र आ रहा है, वेल मीन्स बावड़ी का चित्र है, उसी के साथ ट्यूबवेल्स है देख सकते हैं, उसी के साथ आपके पॉन्ड मतलब जो पानी का एक छोटा सा खेतों में जहाँ पर पानी जमा होता है, खड्डा होता है, उसे हम ट्यूबवेल्स कहते पॉन्ड्स कहते हैं। उसके साथ लेक्स है, जो तालाब है बड़े बड़े वहाँ से हम पानी ले सकते हैं। उसी के साथ नदियाँ हैं बड़ी बड़ी जहाँ से हम पानी हमारे खेतों के लिए ले सकते हैं। उसी के साथ बड़े बड़े डैम्स हैं, डैम्स मतलब धरन हैं, और उसी के साथ कैनल्स हैं जो हम बहुत से शहरों में बहुत से गांवों में कैनल्स देखते हैं। अब देखते हैं मेथड्स ऑफ इरीगेशन। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड्स। द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट रीजन्स फॉर टेकिंग टू द फील्ड्स। कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड, सो दिस मेथड्स आर चीपर बट लेस इफिशियंट। द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर मोट, चेन पम्प, देखली, राहत। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल एंड बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी इज यूज टू रन दिस पम्प्स। जहाँ तक हम देख सकते हैं कि हम सब खेती बाड़ी कर चुके हैं, मतलब खेती बाड़ी हमारे पास आसपास हम देखते भी हैं, अगर ना भी हो तो अलग अलग प्रकार से हम पानी लेते हैं। आज हम मॉडर्न हो गए, लेकिन पहले कैसे पानी लेते थे, मोट द्वारा या चैन पम्प से, उसी के साथ फिर देखली से लेते थे, या राहत जो चरखा चलाते हैं बैल और उसकी तरह पानी होता है, और उसी के साथ बायोगैस के इस्तेमाल से या वाटर या डीजल के इस्तेमाल से, जब मोटर हम यूज़ करते हैं उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रेडिशनल पद्धति से क्या कर सकते हैं, हम खेतीबाड़ी को पानी दे सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूनिक है और बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, और उसे ज़्यादा हमें पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं होती। ये है हमारी ट्रेडिशनल मेथड। अब जानते हैं मॉडर्न मेथड। मॉडर्न मेथड में क्या है, स्प्रिंकलर सिस्टम जो देख सकते हैं, उसी के साथ है ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द एनीवर लैंड वेयर सफिशियंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नॉजल्स ऑन टॉप आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ अ पंप।
इट इसके फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इट इज रेनिंग स्प्रिंकल इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। मतलब स्प्रिंकलर जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जहाँ तक हम देख सकते हैं जैसे बारिश गिर रही है ऐसे उस तरह एक मेन पाइप के लिए ऊपर छोटे छोटे पाइप्स लगाए जाते हैं लंब की तरह, जैसे हम गणित में परपेंडिकुलर लगाते हैं, और उसके ऊपर नॉजल्स रहते हैं। जैसे हम पाइप की टूटी होती है उसी तरह से, और वो क्या करता है जैसे पानी का प्रेशर आता है उतना ही वो उतनी दूर तक पानी फेंक कर क्या करता है वो जमीन भिगा देता है, और वहाँ पर हम अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं अनाज उगा सकते हैं, अच्छी तरह से हम क्या कर सकते हैं अनाज उगा कर अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं। दूसरा इस ड्रिप सिस्टम। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स फ्रॉम ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजिशन ऑफ द रूट्स, सो इट इज़ कॉल्ड अ ड्रिप सिस्टम। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स गार्डन्स एंड ट्रीज। द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। इट इज़ अ बून इन रीजन्स वेयर एबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर। जहाँ पानी की कम है मात्रा वहाँ पर हम ड्रिप सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ये क्या करता है जड़ों में जाकर वहाँ पर पानी देने का काम करता है, इससे पानी भी वेस्ट नहीं हो सकता। इसलिए हम देख सकते हैं ड्रिप वाटर ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, ये हमारे लिए दोनों के लिए क्या है बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलिंग सिस्टम अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल मेथड के लिए पानी हमें ज़्यादा लग सकता है, लेकिन मॉडर्न मेथड के लिए हम दोनों भी पानी कम भी हो तो चला सकते हैं। बचा हुआ भाग हम अगले तासिका में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। बाय।